मैं डॉक्टर धनंजय जाधव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, DAV PG कॉलेज सिवान। आज मैं BA पार्ट टू पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप इसके पहले भारतीय संविधान के निर्माण, उसकी मूल विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों है। कोई भी संविधान सर्वकालिक नहीं होता है, वो सभी परिस्थितियों में साथ नहीं दे सकता है, इसलिए किसी भी संविधान को समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए, जन आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए उसमें संशोधन की गुंजाइश रहती है, संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। भारत का संविधान भी जब बना तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा कि हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि भारतीय संविधान सर्वकालिक है, वो दोष रहित है, हम समय और परिस्थिति के अनुकूल उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अब भारत के संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि दुनिया में जितने भी संविधान हैं उनको, उनमें संशोधन करने के आधार पर दो समूहों में बांटा जाता है। वैसे संविधान जिसमें बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा बड़ी ही मुश्किल से संशोधन किया जाता है, उसको कठोर संविधान माना जाता है। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में कोई भी संशोधन करने के लिए जो अमेरिकी विधायिका है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत के अलावे अमेरिकी 50 राज्यों के 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है। तो हम ये देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में बहुत ही मुश्किल से संशोधन किए जाने की प्रक्रिया है, इसीलिए इसे हम लोग कठोर संविधान मानते हैं। जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है, उस संविधान में संशोधन करने के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, बल्कि दिन प्रतिदिन के विधायी कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं, ठीक वही विधायी प्रक्रिया अपना करके ब्रिटेन के संविधान को संशोधित किया जाता है। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान माना जाता है। भारत का संविधान न तो बिल्कुल कठोर संविधान है और न बिल्कुल लचीला संविधान है, बल्कि भारत के संविधान को कठोर और लचीला संविधान का सम्मिश्रण माना जाता है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जाता है। संशोधन का जो पहला प्रकार है वो साधारण बहुमत से है। संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान के तहत संसद दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिस तरह से विधायी प्रक्रिया अपनाती है, उसी तरह से संशोधन किया जा सकता है। उसके लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, या संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दर्शाई गई है, उसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि साधारण विधायी प्रक्रिया के तरह ही संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। जैसे भारतीय संघ के अंतर्गत नए राज्य का गठन करना हो, या किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, या उसका उत्सादन करना हो, या संसद की गणपूर्ति को घटाना या बढ़ाना हो,
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संसद के जो दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों की गणपूर्ति उनका दसवां हिस्सा है। तो सदन की जो गणपूर्ति है उसके संदर्भ में कोई संशोधन करना है तो ये साधारण बहुमत से किया जा सकता है, साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत ही ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके जो वेतन भत्ता है, परिलब्धियां हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन करना है तो वो साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। इसके अलावे हम लोग ये देखेंगे कि भारत के संविधान में जो तकनीकी तौर पर संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 में है, यानी भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से होता है, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो संवैधानिक संशोधन साधारण बहुमत से जो संशोधन किया जा रहा है उसको नहीं माना जा रहा है। अब जो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे ही संवैधानिक संशोधन माना जाता है, और इस अनुच्छेद में दो प्रकार से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। पहली जो प्रक्रिया है वो है कि संसद विशेष बहुमत से संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित कर सकती है। विशेष बहुमत से आशय ये है कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत, मतलब उनकी जो सदस्य संख्या निर्धारित है उस संख्या के आधे से कम एक अधिक, और साथ ही साथ जो सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उनका दो तिहाई बहुमत, यानी एक तरह से ये दो मापदंड करता है कि अगर विशेष बहुमत से संविधान के किसी प्रावधान को संशोधित करना है तो सबसे पहले उस विधेयक को संसद के सदन का कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना चाहिए, साथ ही साथ उस विधेयक के समय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत भी प्राप्त होना चाहिए। और ये प्रक्रिया अपना करके भारतीय संविधान का जो भाग तीन में मौलिक अधिकार है या भाग चार में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको संशोधित किया जा सकता है। जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो सबसे जटिल प्रक्रिया है वो ये है कि विशेष बहुमत के अलावे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। ये दो जो तरीका अभी संविधान में संशोधन करने का मैंने बताया उससे क्लिष्ट तरीका है, उससे ये मुश्किल भरा काम है, लेकिन संविधान के जो संघात्मक स्वरूप से संबंधित जो प्रावधान हैं उनमें परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए इस तरीका को अपनाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है या जो केंद्र और राज्य के कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार से संबंधित प्रावधान हैं या केंद्र और राज्य विधानसभा की जो शक्तियों का प्रावधान है जो सातवीं अनुसूची में दर्ज तीन सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उनसे संबंधित कोई प्रावधान है, या यहाँ तक कि जो अनुच्छेद 368 है उससे संबंधित अगर कोई संशोधन करना है तो ये सबसे जटिल प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। यानी भारतीय संविधान में इन्हीं तीन प्रकार से संशोधन किया जाता है। अब इसमें ये देखना है कि संविधान संशोधन विधेयक जो हैं
वो अन्य विधेयकों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यानी अगर संविधान में संशोधन करना है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है, जो दो प्रकारों से होना है, अगर उस तरीके से कोई संशोधन करना है तो निश्चित तौर पर लोकसभा और राज्यसभा से संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है। यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति जी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति जी स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए हैं। संविधान संशोधन किसी भी संविधान में इसीलिए महत्वपूर्ण और पावन माना जाता है कि कोई भी संविधान व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो उस समय छूट गए या बहुत समय बीतने के बाद वो प्रावधान अप्रासंगिक हो गए, नए कानूनों को निर्माण करने की ज़रूरत आन पड़ी। इसीलिए संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि ये एक जीवंत दस्तावेज होता है, ये हमेशा विकसित होते रहता है, समय और परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ये ढालते रहता है और ये होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के कोई भी संविधान सर्वकालिक हो सकता है।